हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर बाबा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एक ASP.NET वेबसाइट बनानी है, कैसे आप ये बनाएंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड देन आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे आना है, और यहां से मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, तो आपको यहाँ पे वेब साइट को सेलेक्ट करना है। तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको इस तरीके से विंडो ओपन करके आएगी। तो यहां पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इम्पटी ASP.NET वेबसाइट, ठीक है, आपको ये यहां पे सेलेक्ट करना है और यहां से आपको उसका एक नाम दे देना है। तो मैं यहां पर एक इसका एक नाम दे देता हूं और इसका नाम मैं देता हूं यहां पे रजिस्टर करके, ठीक है, रजिस्ट्री करके, और यहां पे कुछ और यहां पे लगा देते हैं, एक मिनट, यहां पे दे दिया इसका नाम मैंने माय रजिस्ट्री करके। और फिर यहां पर आपको इसे ओपन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर, अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं मिल रहा है तो आप यहां पे व्यू पे आएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर, सॉरी ये रहा आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यहां पर आपको मिल जाएगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अब हमें यहां पर करना क्या है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक मास्टर पेज। ओके, मास्टर पेज कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपको अपने इस प्रोजेक्ट पे करना है राइट क्लिक और यहां पर आना है, आपको ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे और यहां से आपको सेलेक्ट करना है मास्टर पेज। तो ये जो मास्टर पेज है इसका हम देंगे यहां पर एक नाम, तो इसका नाम हम यहां पे दे देते हैं यहां पे, तो यहां पर हम दे देते हैं इसे मेन ओके, तो इसका नाम मैंने दे दिया मेन मास्टर पेज। तो ये हमने एक मास्टर पेज बना लिया। अब इस मास्टर पेज में आपको मिलेंगे दो कंटेंट प्लेस होल्डर, एक टॉप पे रहेगा और यहां पर एक बॉटम पे रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसे यहां पे इसका एक कब दे देते हैं, यहां पे एक टाइटल दे दिया हमने, यहां पे सेट कर दिया टाइटल, आप देख सकते हैं यहां से। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये जो DIV है, इस DIV से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस DIV को हम दे देते हैं स्टाइल टैग, हियर यूज स्टाइल एंड स्टाइल इज इक्वल टू, आपको यहां पे लिखना है क्या, हाइट दे देते हैं इसकी, ओके एंड उसके बाद हम दे देंगे यहां पे विड्थ 80% एंड यहां पर हम दे देंगे अलाइनमेंट, इसका दे देते हैं हम सेंटर कर देते हैं अलाइनमेंट यहां पे, ओके तो ये हो गया हमारा DIV। और इस DIV के अंदर हमें यहां पे बनाना है एक टेबल, तो हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, तो ये लिखा हमने टेबल और ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में यहां पे हम लगाएंगे स्टाइल टैग, कुछ CSS का टैग यहां पे यूज करेंगे, जैसे कि हम यहां पे लिखेंगे अलाइनमेंट जो है इसका, तो अलाइनमेंट इज इक्वल टू हम दे देते हैं यहां पे सेंटर। अलाइनमेंट के बाद हम यहां पे देंगे सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग इज इक्वल टू दे देते हैं 0 पिक्सल या सिंपली आप 0 भी दे सकते हैं। फिर आपको देना है सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग आपको ये भी कर देना है 0, ओके एंड उसके बाद आपको यहां पे क्लास ले लेते हैं हम, तो क्लास इज इक्वल टू इस क्लास का एक नाम दे देते हैं स्टाइल 1 करके, ठीक। तो स्टाइल 1 के बाद अब यहां पर हम एक बनाते हैं रो, तो यहां पर हम क्रिएट करेंगे एक रो TR और इस रो जो है, इस रो के अंदर हम बनाएंगे एक कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे TD, ओके और यहां पर ये जो आपका TD है इसका भी हम यहां पे कुछ स्टाइल कोड यहां पे लिखेंगे, CSS का कोड यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू आपको यहां पे देना है, पहले तो हम देंगे यहां पे बॉर्डर, तो बॉर्डर स्टाइल देना है हमें, तो दे देते हैं बॉर्डर - स्टाइल सेमीकॉलन। फिर यहां पे आपको देना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेमीकॉलन, देन यहां पर आपको कलर ले लेते हैं और ये सेमीकॉलन, ओके तो फॉन्ट ले लेते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं यहां पे XL और उसके बाद हम लेके एक बैकग्राउंड कलर FF66। तो इस तरीके से हमने एक यहां पे कलर ले लिया है, अब ये कलर हो गया और उसके बाद हम यहां पे और एक प्रॉपर्टी है वो है आपका ओवरफ्लो, सो सेमीकॉलन का जो नाम होगा, तो ये मान लीजिए हमारा टाइटल है,
तो यही हमारी वेबसाइट का टाइटल है। ओके, इसे हमने कर दिया यहाँ पे सेव। तो इसका अगर डिजाइन आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपको जो आपके होम पेज का टाइटल दिखेगा इस तरीके से दिखेगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्री के नाम से। ओके, तो फिर से यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में आपने इसे बना लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। तो ये टेबल हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। ओके, इस टेबल के क्लोज होने के बाद हमें क्या करना है, अगेन एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एक दूसरा टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब इस टेबल में हमें क्या बनाना है, हमें इसमें मेनूज तैयार करने हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा मेनू यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह फिर से हम स्टार्ट करेंगे, क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं स्टाइल टू। ओके, अब यहां पर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, यहां पर हम क्रिएट करेंगे एक रो बनाएंगे। तो ये रो हो गया, अब इस रो के अंदर हमें क्रिएट करना है कॉलम। तो यहां पर हमने बनाया कॉलम। अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम का हमें क्या देना है, फिर से हमें यहां पे सीएसएस का कोड लिखना है। तो अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर अलाइन। ओके, तो ये दे दिया हमने, अब यहां पर हम आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लेंगे एक हाइपरलिंक। तो टूल बॉक्स में चलेंगे, ये आ गया हमारा टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कहां जाएंगे, व्यू में आएंगे और यहां नीचे आएंगे, आपको मिलेगा टूल बॉक्स। ठीक है, तो ये आ गया टूल बॉक्स। तो यहां से हमें क्या लेना है, यहां से हमें लेना है हाइपर लिंक। तो चलो हाइपर लिंक, ये रहा हमारा हाइपर लिंक। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आ गया हमारा एक हाइपर लिंक आ गया। तो हाइपर लिंक आईडी 1 हो गया यहाँ पे रन एट सर्वर, और इसका जो टेक्स्ट होगा, तो यहां पर हम कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे फॉन्ट। तो फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड। ओके, तो फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, तो फॉन्ट यहां पे बोल्ड कर दिया हमने, और उसके बाद यहां पे हम दे देते हैं होम। ओके, तो ये हमने दे दिया होम। तो यहां पर अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो इस तरीके से आपको एक और मेनू यहां पे देखने को मिलेगी होम के नाम से। ओके, तो यहां पर जो दूसरा टेबल था हमारा ये हो गया। तो यहां पर ये टीडी हम यहीं पे करेंगे क्लोज। इसके बाद हम फिर से बनाएंगे एक टीडी, एक और कॉलम यहां पे क्रिएट करेंगे। तो एक रो में हम बनाएंगे दो कॉलम, फिर ये जो टीडी होगा यहां पर भी आपको देना है एक हाइपर लिंक यूज करेंगे। तो चलो ले लेते हैं हाइपर लिंक। तो ये ले लिया हमने एक हाइपर लिंक, और इस हाइपर लिंक को भी हमें क्या करना है, ये हम करेंगे तो इसे हम करते हैं कॉपी, और इसको यहां पर हम कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हमने बोल्ड कर दिया है, और एक कलर ले लेते हैं ना, इसका भी हम एक कलर दे देते हैं। तो यहां पे देंगे फॉर कलर। ओके, तो ये हमने एक कलर दे दिया, और ये कलर हम दोनों में दे देंगे। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं यहां से, तो इसे हमने किया कॉपी और इसे यहां पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका जो ये जो मेनू होगा हमारा, तो ये हमारा मेनू हो जाएगा लॉग इन का। तो इसे हमने दे दिया लॉग इन। तो ओके, तो ये हो गया हमारा लॉग इन। तो यहां पर हमारा ये, और फिर से मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है होम एंड लॉगिन। तो अब हमारा ये जो टेबल था, ये टेबल हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ये टेबल हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम दे देते हैं कुछ लाइन ब्रेक। तो बी आर टैग एक दे दिया, फिर बी आर टैग दो दूसरा दे दिया, और एक और हमने यहाँ पे बी आर टैग दे दिया। और यहाँ पर हम क्या लिखना है, एक पैराग्राफ टैग बनाना है। तो एक हम बनाएंगे, एक पैराग्राफ टैग बना लिया, इसमें स्टाइल दे दिया, विड्थ दे दिया 900, और हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 12 पिक्सल। और फिर यहां पर हम दे देते हैं कुछ, हम ऐसा लिख देते हैं कुछ कॉपीराइट जैसा। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने 2018। ठीक है, और बीच में कुछ आप सिंबल लगा सकते हो, तो यहां पे मैं दे देता हूं सिंपली @ लगा देते हैं। ओके, तो इस तरीके का मैंने यहां पे दे दिया। और ये जो आपका कंटेंट प्लस होल्डर है, यहां पर भी आपको यहां पे भी कॉपी इस तरीके से कर देनी है। ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूं सेव। तो यहां पर आपका जो मास्टर पेज है ये बन गया है, और अब हम चलेंगे ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर आप यहां पे देख रहे हैं पहला वाला, तो यहां पर आ जाते हैं। और इसके अंदर हमें कुछ सीएसएस के कोड वगैरह लिखने हैं, तो वो हम लिख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे। तो स्टाइल यहां पर लिखेंगे टाइप। तो टाइप इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ये होता है टेक्स्ट या सीएसएस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद यहां इसके अंदर आपको जो भी आपने क्लासेस यूज किए हैं उनका यहाँ पे आपको सीएसएस कोड यहाँ पे लिखना होता है। तो डॉट
तो पहला था स्टाइल वन के नाम से ओपनिंग क्लोजिंग, और यहां पर आपको इनका सीएसएस का कोड लिखना है। तो जैसे में कि आपको क्या लिखना होता है, मोस्ट कॉमन विड्थ आपको देना है, तो विड्थ इनका है 100%, ओके, एंड हाइट भी है इनका 44 पिक्सल दे देते हैं, ओके। इस तरीके से ये दो चीजें हमें यहां पे दे देनी है। तो मोस्ट ऑफ ये दोनों चीजें होती है इन्हें कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जहां जहां इनकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इसे लिखते चलेंगे। और जो दूसरा होता है वो है डॉट स्टाइल टू के नाम से था, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा था वो था डॉट स्टाइल थ्री के नाम से था। तो ये हो गया, ओके, 69 पिक्सल, ओके। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट था, देखे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को दिखेगा। बट अब हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे यहां पर एक वेब फॉर्म, तो राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू आइटम पे आते हैं। अब यहां से हम एक वेब फॉर्म लेते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं। अब हमें मास्टर पेज सेलेक्ट करना है, मैं चाहता हूं ये जो हेडर मैंने ऊपर बना रखे हैं ये इस वेब फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहां पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा मास्टर पेज, तो मेरे पास एक ही मास्टर पेज, उसका नाम क्या है, मेन एम डॉट मास्टर, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां पे कर दिया मैंने ओके। तो अब यहां पर आपको क्या, दो कंटेंट प्लेस होल्डर देखने को मिल रहे होंगे इस डिफॉल्ट पेज पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा, मैंने सिर्फ डिफॉल्ट पेज को मास्टर पेज से लिंक किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक टैग आपको देखने को मिलेगा, एट्रीब्यूट मास्टर पेज फाइल इक्वल टू क्या लिखा है यहां पे, मेन डॉट मास्टर, ठीक है। तो ये आपका मास्टर पेज इस पेज में यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी पेज को रन करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और यहां पे व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली मैं डिफॉल्ट वाले पेज को रन कर रहा हूं यहां पे, और थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में क्योंकि पहली बार ब्राउजर हमारा ओपन हो रहा है। तो इसके बाद यहां पे जो आपको डिस्प्ले होगा वो होगा आपको डिफॉल्ट पेज डिस्प्ले होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट पेज आपको दिख तो रहा है, बट यहां पर आप देख सकते हो जो आपने मास्टर पेज पे जो डिजाइन आपने क्रिएट किया था वो डिजाइन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर होम पेज और लॉगिन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये कैसे हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हम कैसे बढ़ाएंगे, ये हम इसमें थोड़ा सा स्पेस हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम दे देते हैं सेल पैडिंग दे देते हैं यहां पे, और सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं कुछ 5x5 करके, इसे हम यहां पे सेव कर लेते हैं। और यहां पर हम इसे करेंगे रिफ्रेश। जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहां पे आपका जो मेनू है वो आपको दो मेनू यहां पे दिखाई दे रहे हैं।